बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मटन भुना गोश्त, जो खाने में बहुत ही जायकेदार लगता है और बनने में उतना ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। एक पॉट में मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है, इसको हम गरम कर लेंगे। 2 लार्ज साइज अनियन मैंने चॉप कर ली है, इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि ये गोश्त के साथ ही गल जाएगी। बस सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए करेंगे इसको फ्राई। हम 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रहे हैं, 4 से 5 लौंग, 10-12 काली मिर्चें मैंने ऐड की हैं। इसको भी ज़रा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इन चीज़ों का अरोमा इसमें आ जाए। 1 किलो मटन लिया है मैंने, छोटी बोटी का कटवाया है। आप चाहें तो बीफ का बना सकते हैं, चाहें तो आप चिकन का बना सकते हैं। मुझे मटन का पसंद है इसलिए मैं मटन में बना रही हूँ। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मटन हमारा तल रहा है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ना रहे। मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो भी शेयर कीजिएगा प्लीज। 2 टेबल स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं, 2.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मसाले हम थोड़े से इसमें तल लेंगे। मैंने 1 किलो गोश्त के हिसाब से मसाले लिए हैं, आप जितनी क्वांटिटी में गोश्त रखें उसी हिसाब से मसाले रखिएगा। 1/2 केजी रखना है तो इसके 1/2 कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा कर लीजिएगा। देखिए अच्छे से मसाले मिक्स हो गए इसमें। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 1 बड़ा कप भर के हमने पानी डाला है, इसको थोड़ा सा खोल आने तक पकाएंगे। उसके बाद हम 30-35 मिनट्स के लिए कवर करके स्लो फ्लेम में रख देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। मिनट्स हो चुके हैं, अब हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे। और चेक कर लेते हैं गोश्त को, अच्छे से गोश्त गल गया है और जो थोड़ी सी कसर है इसमें वो भूनने पे हो जाएगा गोश्त, वरना बहुत ज़्यादा गला लो शुरू से तो टूट जाता है, मटन बहुत जल्दी टूटता है। तो मैंने बड़े साइज के लार्ज साइज के टोमेटो थे वो ब्लेंड कर लिए थे, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। अब बस इसकी मेन चीज भुनाई है, इसको अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल भुना हुआ होता है ये। और मुझे तो बॉयल्ड राइस के साथ बहुत पसंद है, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा।
3 टेबलस्पून में दही ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। आपको अगर इसमें से कुछ समझ में ना आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी है अपलोड की हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। देखें ऑयल ऊपर आने लगा है, कलर भी देखें कितना चेंज हो गया। 4 से 5 हरी मिर्चें थी जो मैंने लंबी लंबी काट ली है वो ऐड किए। थोड़ी सी अदरक ऐड कर रही हूँ। अदरक और ग्रीन चिलीज का जो अरोमा होता है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा टेस्ट डेवलप करता है। आप इस तरह से मेरे तरीके से ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। वन टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। ऑयल ऊपर आ गया बिल्कुल। अब हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट डन है। हरा धनिया ऐड किया मैंने थोड़ा गार्निश के लिए। बस बिल्कुल रेडी है। इसको आप नान के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगेगी आपको। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया, कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। मुझे ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।